एक भारतीय परंपरा के अनुसार एक पुरानी कहावत है कि सारा काम करके हमने इतनी अच्छी खिचड़ी बनाई तो इसे खाने का हक भी मुझे ही होना चाहिए। किसी दूसरे को खाने का हक कैसे मिल सकता है? ठीक वैसे ही अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी क्यों किसी दूसरे को देना पसंद करेगी? आजकल राम मंदिर मुद्दे को लेकर बीजेपी, वीएचपी और शिवसेना में यही चल रहा है। पहले राम मंदिर को लेकर शिवसेना ने अयोध्या में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन यूपी सरकार ने इजाजत नहीं दी। वहीं ठीक उसी तारीख उसी दिन पर वीएचपी ने सरकार से आयोजन की इजाजत मांगी तो सरकार ने दे दी। अब राम मंदिर मुद्दे को लेकर बारी थी बयानों की, तो सबसे पहले राम मंदिर को लेकर उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी राम मंदिर का निर्माण ही नहीं करना चाहती और हिंदुओं को धोखा देना चाहती है। जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने सरकार बनाई उसी को भूल गई। शिवसेना के आरोप के बाद अब बोलने की बारी थी बीजेपी की, और बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव मौर्य ने शिवसेना पर हमला करते हुए कहा कि मंदिर आंदोलन में शिवसेना की कोई भूमिका नहीं थी। मौर्य ने कहा कि अगर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के लिहाज से वो जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो उद्धव को ऐसा करने से अवश्य रोकते और कहते कि तुम ऐसा मत करो। बाला साहेब ने हमेशा विश्व हिंदू परिषद को अपना आशीर्वाद दिया है। बीजेपी हमेशा से मंदिर के पक्ष में रही है और चुनावी मुद्दा कभी नहीं रहा। कुल मिलाकर शिवसेना के अयोध्या आने के रुख से बीजेपी और वीएचपी अंदर तक डर गई और सोचने लगी कि कहीं ये मुद्दा हमारी जगह से शिवसेना के पास न शिफ्ट हो जाए। इसलिए शिवसेना को राम मंदिर मुद्दे से पीछे हटाने के लिए बीजेपी और वीएचपी ने जोरदार हमला किया और शिवसेना को मंदिर मुद्दे से पीछे धकेलने में कामयाब रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीछे आने के बाद शिवसेना का अगला कदम क्या होगा।